मॉर्निंग ऑल माय स्टूडेंट्स। जैसा कि हमारा टॉपिक जो सेंटेंसेस चल रहा है, इसमें आज जो है चौथा रूल जो है आप लोगों के लिए है नाउन या फ्रेज इन ए पोजीशन। ए पोजीशन का मतलब होता है इसे अगल बगल। तो हम जो है नाउन या फ्रेज इन ए पोजीशन किसे कहते हैं, से यहाँ पर बताया गया है कि जब किसी नाउन या फ्रेज को उस नाउन के बगल में रखा जाता है जिसकी व्याख्या की जाती है, तो उसे जो है हम नाउन या फ्रेज इन ए पोजीशन करते हैं। जो नाउन या फ्रेज इन ए पोजीशन में रहते हैं, इन ए पोजीशन में रहते हैं, उसे दो कामास यानी अल्प विराम के बीच रखा जाता है। इस विधि का प्रयोग हम कब करते हैं, जब भिन्न भिन्न वाक्यों में कोई ऐसे दो नाउन हो जो एक ही व्यक्ति वस्तु या स्थान को प्रकट करते हैं, तो उन्हें जो है हम ए पोजीशन में रखते हैं। जैसे में हमारा यहाँ वाक्य जो है आपको एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। जैसे हमारा वाक्य है सुरेश इज ए टीचर, पुलिस्टा। दूसरा वाक्य है ही इज वेरी जेंटल। यहां हम वाक्य में देख रहे हैं कि जो सुरेश है वह भी एक नाउन है और यहाँ टीचर है वह भी एक नाउन है। तो यह जो है सुरेश की व्याख्या जो है बता रहा है कि कैसा है टीचर है। तो हम इन दोनों शब्दों को जो है दो अल्प विराम के बीच में रखेंगे। इसे लिखेंगे सुरेश कामा ए टीचर कामा इज अ वेरी जेंटल। और एग्जाम्पल हम आप लोगों को देख रहे हैं। रवि वाज दी बेस्ट बॉय इन द क्लास। दूसरा हमारा वाक्य है ही वाज द मॉनिटर। यहां हम देख रहे हैं कि हमारा पहले वाक्य में रवि जो है एक नाउन है, दूसरे वाक्य में हमारा जो है मॉनिटर। तो हम इनको जो है ए पोजीशन में अलग बगल में रखेंगे, यानी लिखेंगे रवि कामा द मॉनिटर कामा वाज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। इस प्रकार से हम नाउन और फ्रेज को ए पोजीशन में रखते हैं। अब इसी पर रिलेटेड जो है आप लोगों के लिए हम जो है होमवर्क दे रहे हैं, जो भी आप लोगों को दिक्कत जो भी परेशानी होगी आप कमेंट के माध्यम से हमें जो है बता सकते हैं।
और ज्यादा से ज्यादा जो है इनकम जो है।